نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزير من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين سمي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हाँ जी आज हम अपनी बात में इसम ज़मीर पर बात करेंगे हमने इसम की पहचान फ़ेल की पहचान और किस्मों पे बात कर ली फिर हमने पिछले सेशन में इसम मौसूला पे बात की और आज हम इसम ज़मीर की बात करते हैं इस्म जमीर प्रोनाउन को कहते हैं और वो अल्फ़ाज जो इसम की जगह इंस्टेड ऑफ अ नाउन जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन्स नाउनस यहाँ इसम जमीर हैं जैसे मैंने आपको इब्तदाई सेशन में भी बताया था ना कि जैसे हम एक बात इंग्लिश में जैसे करते हैं कि आई सो अ बॉय

तो लिहाजा आई मेट अहमद बार बार मैं अहमद अहमद नहीं कहती मैं ही वॉज डूइंग दिस करके बात करती हूँ तो उर्दू में भी हम यही कहते हैं कि मैं अहमद को मिली वो ये कह रहा था वो ये कर रहा था तो इसम ज़मीर फिर उसमें प्रोनाउन जो है वो यूज़ हो जाता है इसम की जगह अब इसम ज़मीर अरबी जबान में दो किस्मों के हैं इंग्लिश में और उर्दू में तो हमेशा प्रोनाउन वर्ड से अलग हट के आता है ना कि ही और वो और शी और दे और देम वो जो हैं वो अलग आते हैं लेकिन अरबी जबान में इसम ज़मीर दो किस्मों के हैं जमायर मुनफसला जो हरफ से अलग होते हैं डिटैच्ड होते हैं यानी लफ्स अलग लिखा हुआ है जिसकी जिसका वो ज़मीर है वो इसम अलग है और ज़मीर जो है वो एक अलग लफ्स की शक्ल में लिखा गया है लेकिन कई जगह ऐसी भी कुरान में आएंगी और अरबी में भी आती हैं कि जहाँ वो ज़मीर इस के साथ होता है जैसे हम कहते हैं ना जोड़ तोड़ में वो लफ्ज साथ ही जुड़ा हुआ होता है तो वो जमीर भी लफ्ज के साथ ही जुड़ा हुआ होता है तो उनको हम कहते हैं जमायर मुतसिला ये जुड़े हुए और अटैच्ड जमायर है तो आज पहले हम जमायर मुनफसिला करते हैं जो अलग हैं और फिर आगे से अगले सेशन में हम जमायर मुतसला करेंगे जो जुड़े हुए हैं और साथ लगे हुए होते हैं लफ्ज़ के जमायर मुनफिला ये अलग हैं और डिटैच्ड जमायर हैं लफ्ज अलग है जैसे उर्दू और इंग्लिश में होता है ये बिल्कुल उसी तरह के हैं और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ जो है ना वो अम, सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे जो पर्सनस हैं उसके हिसाब से हम इनकी लिस्ट देखेंगे और ये पर्सन मेरा ख्याल है उर्दू और इंग्लिश ग्रामर जिसको आती है ना उसी को अरबी ग्रामर भी आसानी और सहूलत से समझ आती है गायब उस थर्ड पर्सन को कहते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होता हाजिर नहीं होता हमारे सामने नहीं होता हमारी निगाहों से ओझल होता है जैसे हम कहते हैं ना वो मेरी बहन जो अमेरिका में रहती है तो वो बहन कौन है वो गायब है वो थर्ड पर्सन है वो गायब है वो मेरी फैमिली जो सऊदी अरेबिया में सेटल हो गई है तो ये सब क्या है ये गायब है ये थर्ड पर्सन होते हैं फिर सेकेंड पर्सन वो होता है जो मेरे सामने है तुम तू, तु, तेरा तुम्हारा आप सब ये सब क्या है ये जिनके साथ मैं डायरेक्टली मुखातिब होती हूँ वो सेकंड पर्सन है और ये उर्दू में भी ऐसे ही है ये इंग्लिश में भी ऐसे ही है और अरबी में भी ऐसे है तो थर्ड पर्सन गायब के लिए आता है जो गैर हाजिर है वो एक या वो सब मुजक्कर मोनस जो भी हैं ये गायब थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन वो है जिससे डायरेक्टली बंदा मुखातिब होता है और वो सामने हाजिर होता है तो ये सेकंड पर्सन जो है वो हाजिर होता है और फर्स्ट पर्सन क्या होता है इज मी माई सेल्फ मैं मेरा हम ये वाहिद और मुजक्कर दोनों शक्लों में आते हैं तो जमा जब हम देखेंगे तो वो गायब थर्ड पर्सन के जमायर क्या है मुजक्र और मोनस के लिए अलग अलग है और ये हमारी इंग्लिश में भी अलग अलग होते हैं ना तो लिहाजा शी ही बाकी सब कुछ उसमें फिर दे जो है वो सबका एक एक जैसा हो जाता है लेकिन अरबी में ये भी फ़र्क है तो गायब मुज़क़्कर में जो वाहिद है हुआ वो एक मुजक्कर वो दो मुजक्कर वैसे भी आपने पीछे भी देखा था कि मैंने आपको ग्रामर में अः फेल में बताया था कि जब फाला के बाद अलिफ एड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है फाला वो दो लोगों ने काम किया तो यहां पर भी वही बात हो रही है कि जब अलिफ आ गया है तो हुआ में वाव निकल के अलिफ आ गया है, तो वो दो मुजक्कर हुम वो जमा मुजक्कर ठीक है मुन्नस में हुआ की जगह हिया होगा और दो के लिए तस्निया में हुमा होगा वो दो औरतें या वो दो बच्चियां और हुन्ना वो जमा मुन्नस तो हुन्ना जैसे कुरान में बहुत आपने देखा होगा अंतुम हुन्ना कि वो तुम्हारा लिबास है फिर अल्लाह ने कहा वगदुद् मिन अब सारी हिन्ना के औरतों को कहो कि वो अपनी निगाहें नीची कर लें हन्ना का मतलब है उन औरतों की बात हो रही है वो बहुत सी औरतें फिर इन वर्ड्स को दोहरा लीजिए हुआ वो एक मुज़क़्कर हुमा वो दो मुज़क़्कर हम वो जमा मुज़क़्कर हिया वो एक हुमा वो दो दोनस या तस्निया के लिए हुन्ना जमा मुन्नस के लिए वो बहुत सी औरतें अब हाजिर के लिए सेकेंड पर्सन जिससे हम डायरेक्टली मुखातिब होते हैं उसमें मुजक्कर के लिए क्या है तू एक मुजक्कर अंकुमा देखा अलीफ के इजाफे के साथ फिर वो क्या बन गया वो तस्निया बन गया तुम दो मुजक्कर अंत तुम तुम जमा मुज़क़्कर अंक तुम तामून कुरान में आता ना तो तुम जानते हो तो लिहाजा अंतुम तुम जमा मुजक्कर मुअन्नस के लिए अंति ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने आपको फेल की गर्दान में बताया था फालता फालती तो फिर काफ जबर का बताया था तू एक मुजक्कर है और काफर की मैंने बताया था तू एक मुअन्नस है तो अंता में तू एक मुजक्कर बन रहा है और अंती जो है वो तू एक मुनस बन रहा है बस इसको ऐसे भी याद रख लें कि मुजक्कर के लिए ज़बर है और औरत के लिए मोनस के लिए ज़ेर है क्योंकि औरत को ज़रा ज़ेर हो के महत बन के अर्र जालू कब्बाम मर्द कवाम है तो उसके लिए ज़बर आ, आ जाती है चाहे काफ़ के ऊपर ज़बर आ जाती है चाहे फ़ेल के फालता के ऊपर ज़बर आ जाती है और चाहे जमायर मुनफसला में अनंता के ऊपर ज़बर आ जाती है और औरत चूंकि मातहत और सबॉर्डिनेट और नायब बन के रहती है और ज़ेरदस्त बन के रहती है तो उसमें काफ जेर की के नीचे भी ज़ेर आएगी और अंति के नीचे भी ज़ेर आएगी और फालती के नीचे भी जेर आ जाएगी अंति तुम एक मुनस मेरी बहन मेरे सामने खड़ी है और मैं उनसे बात कर रही हूं तो मैं क्या कहूंगी अंती और मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है तो मैं क्या कहूंगी अंता और अगर मेरी दो बहनें खड़ी हैं या दो भाई खड़े हैं तो दोनों के लिए अं तुमा तुम दोनों और अगर मेरे बहुत से भाई खड़े हैं तो मैं अं तुम कहूंगी ठीक है तो ये वो वर्ड्स हैं जो बेसिकली कुरान में आए हुए हैं तो मैंने इसलिए इनको बाकी इसके अलावा जो ग्रामर की गर्दान है वो मैं यहाँ पे सारी कई दफ़ा नहीं आपको बताती जो कुरान में वर्ड्स आते हैं ना मैं वो बता दी

और जमा मुनफसला में डिटैच्ड में जो मुतकलम के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए मैं हम और हमारा और मैं के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ना वाहिद के लिए अना वो जैसे शैतान ने कहा था ना अना ख़ैर मिन मैं उससे बेहतर हूँ हजरत आदमी सलाम से तो अना का मतलब होता है मैं हमारी उर्दू में अना भी तो यही होती है ना कि हमारी मैं बहुत बड़ी होती है तो देख लें अरबी में भी वही है और जमा का मतलब जमा के लिए लफ्ज़ जो है वो नाहनू 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 लहू लवारसून हम और हमारा जो है उसके लिए नाहनू के अल्फाज आते हैं तो अगर आप फिर दोहरा लें हुआ हुमा हिया, हुम, हुमा हुन्ना। अब आपने ना ये वर्ड्स बोलते रहना बोलते रहना और जेन में दोहराते रहना ताकि याद हो जाए और सेकंड पर्सन के लिए अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा और मुतकलम के लिए अना नाहनू तो ये जमायर हैं और ये वर्ड्स आप देखेंगे कि कुरान में इतनी दफा आते हैं इन शर्जुम आपकी जबानों पर जब जारी होगा ना तो बाकी बहुत आसान हो जाएगा और आपको फील भी होने लगेगा कि अब तो भाई मुझे बहुत कुछ मेरे जबान में आता है तर्जुमे में ये शॉर्ट वर्ड्स हैं जो आपने आज उनके लिए मैंने आपको पिछली लिस्ट भी दी थी ना और मैंने कहा था कि बस इनको ना आपने रट्टी लेना है तो बस ये भी वो वर्ड्स हैं जो रट्टी लेंगी और ऐसे लफ्ज आएगा और आपकी जबान से तर्जुमा इन जारी हो जाएगा माँ किसके लिए था जो गैर आकिल बेजान नॉन लिविंग चीज के लिए और मन किसके लिए था जो लिविंग थिंग के लिए अब मिम्मा है ये दो वर्ड्स को मिलके बनाता है मिन और माँ मिन का मतलब है से और माँ का मतलब है जो तो मिम्मा का मतलब होगा से जो इन्ना इन्ना तो कुरान में बहुत दफा आता है ना इन्ना शानिया काहोवल अबतर है ना तो इन्ना का मतलब है बेशक कोई शक ही नहीं है कोई शुबा ही नहीं है कोई डाउट ही नहीं है ये नहीं यकीनन ये काम ऐसे है यकीनन भी इसका तर्जुमा आ सकता है और बेशक भी आ सकता है अन्ना का मतलब है केह बेशक आप देख रही हैं ऊपर नीचे जब अलिव के नीचे जेर है तो उसका तर्जुमा हम सिर्फ बेशक करते हैं और अन्ना का मतलब केह बेशक होगा इन्ना माँ ये दो वर्ड्स को मिलकर बनेगा इन्ना और माँ को मिलकर बनेगा इसका मतलब क्या होगा बेशक सिर्फ देर इज नो डाउट के ओनली इन सदकातु सूरा तोबा में अल्लाह ने आयत नंबर सिक्सटी में कहा है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि सदकात के लिए यही मत है इन नमा बेशक सिर्फ फिर अगर अन्ना माँ होगा तो क्या मतलब होगा ये अन्ना और माँ को बना बनाए तो क्या मतलब होगा के बेशक सिर्फ फिर उसके बाद आगे काफ लग गया अभी मैंने आपको शॉर्ट वर्ड्स में बताया था कि अगर काफ पहले लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है काफ सबर का का तरह तो अब का अन्ना माँ का मतलब होगा तरह के बेशक सिर्फ क्योंकि ये काफ सबर का अन्ना और मा को मिलके बनाए का अन्ना माँ तरह के बेशक सिर्फ कुल कुल क्या होता है सब सारे का सारा तो वेन एवर जब कभी को लमा जब कभी वेन एवर लम्मा इसका मतलब भी है जब कभी फा लम्मा इसमें लम्मा से पहले फा लगा दी और फा का मतलब क्या था पीछे आपको मैंने हरूफे तहजी के मतलब बताए थे फा लम्मा का मतलब क्या होगा पस जब कभी कमा माँ का मतलब क्या है जो पहले काफ लग गया क्या मतलब होगा ये काफ जबर का और मीम जबर मा को मिलके लिखा गया कमा का, का मतलब है तरह लाइक जो लऊ काश लाओ, काश ये दोनों आपस में आवाज में भी मिलते हैं ना इस माजी के लिए इज माजी के लिए और इज़ा मुस्तबिल के लिए थोड़ा सा फर्क है लेकिन जब जाल के ऊपर जबर आ जाएगी और जाल के ऊपर जजम आ जाएगी तो होगा दोनों का मतलब ही जब लेकिन इस का मतलब होगा माजी के लिए जब कि जब वो लोग गए थे ना स्कूल में तब ये हुआ था और इज़ा जब वो लोग जाएंगे ना कॉलेज में तब ये होगा इसका मतलब जब इजा का मतलब जब मुस्तबिल के लिए माजा क्या माजा क्या वॉट आ भी पीछे हम देख चुके हैं ये हरूफे इस्तफाम है सवालिया वर्ड हैं। माजा क्या आ का मतलब पीछे हम देख चुके हैं हरूफ तहजी में क्या अम अम भी क्या के लिए आता है कैफा का मतलब कैसा कैफा तुम्हारा क्या कैफा हाल का तुम्हारा क्या हाल है कैसा हाल है आइना कहासू जहां हईसू जहां वेयर आईना कहा हैसु, जहा, हैसु, जहा, तो ये वो छोटे वर्ड्स हैं जो कुरान में आएंगे और इन ये हरूफ अगर आपको याद होंगे तो इसम और फेल की पहचान आपको होगी और ये हरूफ आपने जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपने रट्टे हुए होंगे है ना तो जब रट्टे हुए होंगे और आप बोलेंगी इसका तर्जुमा तो इनशाला बहुत सा तर्जुमा आपके लिए आता जाएगा अच्छा आज का आपने होमवर्क ये करना है मैं उस दिन आपको ना जब मैंने आपको फेल करवाया था तो उस दिन भी मैं आपको होमवर्क देना भूल गई थी तो फेल में आपने कुछ फेल मुजारे में से आपने अपने दो तीन रकुआत में से फेल मुजारे पांच निकालने थे वाहिद और पांच निकालने थे जमा तो आज के सबक में आपने ऐसे करना है कि दो रकू में से आपने इसम इशारा और इसम जो हमने मौसूला पढ़े थे वो भी निकालिए हर लेसन में जो 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 चीज आप पढ़ती है ना अगर मैं होमवर्क देना भूल भी जाऊं तो उसको जरूरी निकाल लिया करें तो आज के सबक में आप अपने जो हमने पढ़े हैं जमायर मुनफसला जो अलग हैं उनकी निशानदेही करें कि उनमें से वाहिद कौन सा है मुजक्कर कौन सा है और इनमें से कौन से हैं जो फर्स्ट पर्सन है जो सेकंड पर्सन है जो थर्ड पर्सन है तो कुछ रकूआत कुरान के निकालिए और इन ज़मायर की पहचान कर लीजिए और वहां पे उनका तर्जुमा जो है वो डालकर उस लफ्ज़ को पहचानने की कोशिश करें अल्लाह सुबहान तब का मुहाफ़ हो आपका वली हो आपका निगरान हो और अल्लाह फहमे कुरान में हम सब की मदद और हम सब के लिए सहूलत फरमाए फिमान असलकम वरह वक्तुजलूबा बद इस हदय तना वहाब लाना उनका रोहमा इन नकान तहाब Recording stopped.